तो दोस्तों ओप्पो बहुत जल्द ओप्पो F11 का सनसेंसर ओप्पो F15 को इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाला है। और दोस्तों ऐसे में ओप्पो ने ओप्पो F15 का फर्स्ट पोस्टर रिलीज कर दिया है और साथ ही में इस फोन के फुल स्पेसिफिकेशन भी लीक हो चुके हैं, जिससे कि दोस्तों ये कंफर्म हो जाता है कि ओप्पो F15 में हमें क्वार्टर कैमरा का सेटअप देखने को मिलने वाला है और सिक्योरिटी के लिए आपको इस बार इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा और 48 मेगापिक्सल का क्वार्टर कैमरा भी मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं ओप्पो के ओप्पो F15 के बारे में और साथ ही में बात करेंगे कि ये फ़ोन आपको कब तक और किस प्राइस में इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओप्पो F15 के डिस्प्ले के बारे में। तो दोस्तों इस फ़ोन में आपको 6.4 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलने वाली है, जो कि दोस्तों सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आएगा। तो दोस्तों डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही कमाल की देखने को मिलने वाली है, क्योंकि इस फ़ोन में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस फ़ोन के कैमरास के बारे में। तो दोस्तों इस फ़ोन में आपको क्वार्टर कैमरा देखने को मिलने वाला है, जिसका दोस्तों मेन सेंसर होगा 48 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का एक माइक्रो सेंसर मिलने वाला है। तो दोस्तों कैमरा काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है आपको ओप्पो के F15 के अंदर। और दोस्तों वहीं पे बात करें इस फ़ोन के फ्रंट कैमरे के बारे में, तो दोस्तों सेल्फी के लिए आपको इस फ़ोन में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में। तो दोस्तों इस फ़ोन में आपको मीडियाटेक हीलो P70 का प्रोसेसर मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस फ़ोन के बैटरी के बारे में। तो दोस्तों इस फ़ोन में आपको 4025 mAh का बैटरी मिलने वाला है, जो कि दोस्तों बूक फ्लैश चार्ज 3.0 के साथ आने वाला है, जिससे कि दोस्तों आपका फ़ोन जो है बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस फ़ोन के सबसे मेन पॉइंट यानी कि इस फ़ोन के प्राइसिंग के बारे में। तो दोस्तों ये फ़ोन आपको 14 से 15 हज़ार के बीच में ही देखने को मिलने वाला है इंडिया के अंदर। और दोस्तों वहीं पर बात करें इस फ़ोन के लॉन्च डेट के बारे में, तो दोस्तों ये फ़ोन 16 जनवरी को इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है, जो कि दोस्तों एकदम से कंफर्म हो चुका है। और दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि ये फ़ोन आपको कैसा लगा। और दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।